राजस्व दिवस के मौके पर राजस्व विभाग की ओर से सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री रामलाल जाट ने नियमों को आसान बनाने के जरिए आमजन और किसान को घर सेवा कराने की बात की। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि हाल ही में हुए पटवारियों की भर्ती के बाद 95% मैन पावर की समस्या सुलझा ली जाएगी। आज राजस्व दिवस है और इस मौके पर हमारे साथ हैं राजस्व मंत्री रामलाल जाट, इनसे बात करते हैं। सर, राजस्व दिवस को किस तरह से आप याद करना चाहते हैं और शॉर्ट में बताएं कि किस तरह से आपने पूरा प्रोग्राम बनाया? मैं पूरे राजस्थान वासियों को धन्यवाद बधाई दूंगा कि इस मौके पर हमारे पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एक सौगात दी जिससे स्वामित्व भू जमीनों के हम मालिक बने। पुराने समय में मुगल का राज हो, राजा महाराजों के राज में जमीन के हम मालिक नहीं हुआ करते थे। आज उसी चीज को राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के माध्यम से लोगों के कोरोना जैसी महामारी के बाद काम किया है। अब आने वाले समय में हम डिजिटल माध्यम से कंप्यूटरीकरण DILRM पीप जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से पूरे लैंड रिकॉर्ड को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। घर बैठे बिना अधिकारियों के सारी वो सुविधाएं जो आज कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो किसानों के मिट जाएंगे। अब ऐसा सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं कि किसान खुद ही अपनी गिरदावरी का कर सकता है, तो इस सिस्टम पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या इसके पूरे प्रोसीजर है? लगभग 3-4 महीने बाद हमारी टीम महाराष्ट्र गई थी। 3-4 महीने बाद तक हम वो ऐप लॉन्च मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, जिसे किसान का लड़का खुद अपने मोबाइल से गिरदावरी खुद कर पाएगा। ऐसी चीज हम ला रहे हैं। म्यूटेशन भी हम पंचायत राज के सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू विभाग के सॉफ्टवेयर को जोड़ रहे हैं, तो स्वतः ही मृत्यु सर्टिफिकेट बनाते ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शो करेगा, जिससे म्यूटेशन ऑनलाइन स्वतः ही खुलेगा बिना किसी के चक्कर लगाने दफ्तर के। ऐसी सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से करने जा रहे हैं। हाल के दिनों में कैसे नियमों को आसान बनाया है अभी प्रशासन जो गांवों के संग है उसमें भी, और अभी बीच बीच में जब जब आपके पास सुझाव आए? नियमों में काफी सरलीकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी किए, और भी जो फीडबैक आ रहा है चाहे अधिकारी चाहे जन नेताओं के माध्यम से हम लगातार कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं टेंडेंसी एक्ट हो या सीलिंग एक्ट हो, इसमें भी जो पुराने समय के जो और बदलाव करने की गुंजाइश हो, तो एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जल्दी गठन होगा तो निश्चित रूप से हम और करेंगे। एक कुछ हाल के उसमें VC में ये समस्या सामने आई कि कुछ पटवारियों की कमी है, अन्य जो मैन फोर्स है उनकी कमी है, कई जगह ये समस्या आई कि गाड़ियां नहीं है या हैं तो खटारा है, ड्राइवर पर्याप्त नहीं है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कोई बनाया? देखो, विभाग जनता से जुड़ा होने की वजह से जनता के सारे काम राजस्व विभाग से पड़ते हैं, तो मैन पावर भी चाहिए। तो हमने अभी 5,500 पटवारियों की भर्ती की है, लगभग 95% तक पटवारियों के पद भर दिए जाएंगे। ट्रेनिंग की जा रही है पटवारियों की, बहुत जल्दी अगले 2-3 महीने में हर पटवार मंडल पर पटवारी उपलब्ध होगा। रही बात व्हीकल की, अभी 100 गाड़ियां हमें फाइनेंस मिली और हम मांग करेंगे, जैसे जैसे तहसीलें उप तहसीलों का गठन हुआ, हमारे राजस्थान में 392 तहसीलें बन गई है, 270 उप तहसील है, हमारे 315 उपखंड स्तर है, तो उन तमाम जगह हम अच्छे व्हीकल भी मिले और स्टाफ भी रहे, उसकी फाइनेंस में लगातार इस बार देखो हमें मदद मिली है। और जो मांग आ रही, हम अगले बजट में और मुख्यमंत्री से मांग करके हम चाहते हैं कि भर्ती लगातार हो हर वर्ष, तो जो वैकेंट होने वाले पद वो नहीं रहे, ताकि जनता के काम सफल नहीं हो। लेकिन जो डिजिटल प्रक्रिया आ रही उससे स्वतः ही बिना मैन पावर के वो काम हो पाएंगे। और सॉफ्टवेयर अपडेशन और ये सर्वर की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से दूर करें? ये NIC से अभी हमने बजट मिला हमें जो उसको अपग्रेड किया गया, फिर भी कुछ दिक्कतें आई तो उसको और बात करके सहल करेंगे। तो ये हैं मंत्री रामलाल जाट, और इनका कहना है कि राजस्व दिवस पर सारा जो कानून है उसका नियमों का सरलीकरण करते हुए किस तरह से ज्यादा डिजिटाइजेशन करके आम जो किसान हैं, आम काश्तकार हैं, आम ग्रामीण हैं, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनको घर बैठे सारी सुविधा मुहैया कराने में विभाग काम कर रहा है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।